नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पशुपति पारस को लोजपा संसदीय दल का नेता मान लिया है। अब जो उन्होंने चिट्ठी जारी की है उसमें बकायदे उन नेताओं के नाम लिखे हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेंगे। लिहाजा अब ये कानूनी अड़चन भी खत्म हो गई। अभी तक जो चिराग पासवान थे वो किनारे हो गए। अब इसके बाद सवाल बचता है कि लोजपा का क्या होगा और ये पांचों सांसदों की अगली रणनीति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन पांचों सांसदों की अगली रणनीति पे ही लोजपा की रणनीति डिपेंड करेगी। तो इसके जो पटकथा लेखक हैं वो सीएम नीतीश कुमार को ही बताया जा रहा है। उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले राजीव कुमार उर्फ लल्लन सिंह इसके अगुआ रहे और उनका साथ दिया महेश हजारी और सूरज भान सिंह ने। सूरज भान सिंह के ही भाई चंदन सिंह हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि अभी तक तो जो पशुपत पारस ने बयान दिया है उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है लोजपा को बचाया है, लोजपा का अस्तित्व संकट में था, तो इसी स्टैंड पे कायम है कि हम लोजपा में ही हैं और चाहें तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे भी लोजपा में बने रह सकते हैं। संसदीय दल का नेता बनना था, हम नेता बन लिए, स्पीकर ने रिकॉग्निशन दे दिया। लेकिन ये दूसरा सवाल इसी से पैदा होता है कि इससे क्या मिला पशुपत पारस को। ठीक है, संसदीय दल के नेता बन गए, पाँच सांसदों के नेता बन गए, पार्टी अध्यक्ष तो अभी वही हैं। दूसरी बात कि क्या NDA यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंत्री बनाएंगे, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि BJP के का जो रिएक्शन आया है बहुत ही दूसरे तीसरे दर्जे के प्रवक्ता का आया है और उसमें जो उन्होंने बहुत ही संतुलित बोलने की कोशिश की थी। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्लान यहीं पे रुकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का अगला प्लान ये है कि उन्हें JDU को मजबूत करना है। तो JDU कैसे मजबूत होगा, 43 जो आपकी सीटें मिली थी बिहार में और एक आपने निर्दलीय को और एक जो है लोजपा के विधायक को जोड़ा, तो इस तरीके से आप 45 पे पहुंच गए। लेकिन बात उतने से ही तो नहीं बनेगी क्योंकि BJP की तो वहां पे 74 सीटें हैं। तो ये अगला प्लान ये बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ महागठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में लगा है, हर समय इनको परेशान किए हुए, वहीं ये महागठबंधन में भी सेंध लगा सकते हैं और सबसे सॉफ्ट जो इनका निशाना होगा वो कांग्रेस हो सकती है। एक दूसरी बात कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें BJP को 17 और JDU को 16 सीटें मिली थी, यानी कि इतने इनके सांसद बन करके आए थे, लगभग बराबरी पर मामला छूटा था। लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो BJP ने सहयोगी दलों के लिए जो शर्त रखी थी कि इतने सांसद पर एक मंत्री, उस कोटे में उस फार्मूले में नीतीश कुमार का फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा था, लिहाजा नीतीश कुमार JDU पीछे हट गई थी। अब इनकी ये कोशिश हो सकती है कि जो हमारी संख्या 16 है, यदि ये पाँचों सांसद हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारी संख्या बढ़ के हो जाएगी 21, सबसे बड़ा घटक दल, सबसे ज़्यादा संख्या, तब ये मोल भाव करने की स्थिति में आ जाएंगे केंद्र में भी और इसका असर बिहार की भी राजनीति पे पड़ेगा, क्योंकि उधर संख्या वो विधायकों की भी बढ़ाएंगे, वो छोटे भाई की भूमिका में बिहार में नहीं रहना चाहते हैं। और एक बात ये तय है कि जिस तरीके से लल्लन सिंह ने इस पूरी योजना को अंजाम दिया, जिस तरीके से ये वीणा देवी के फ्लैट पे गए, वहाँ पे मिले, ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये सब कुछ किया धरा लल्लन सिंह और नीतीश कुमार का है। पशुपत पारस की नाराजगी थी क्योंकि वो नीतीश कैबिनेट में पिछली बार मंत्री थे, उनसे उनकी नज़दीकी थी, इसके बावजूद NDA से अलग होकर के चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश को टारगेट कर रहे थे, इसको लेकर के दोनों में झड़प हुई थी, उसके बाद पशुपत पारस जो है किनारे हो गए थे। लेकिन नीतीश कुमार और पशुपत पारस के संबंध अच्छे बने रहे और ये प्लानिंग होती रही कि कब मौका पा करके चौका मारा जाए और चिराग पासवान का जो गुरूर है उसको तोड़ा जाए। वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पशुपत पारस के घर के बाहर वो हॉर्न बजाते रहे और वेट करते रहे, वो सब कुछ दिखा है। अब चिराग पासवान की रणनीति, चिराग पासवान ने जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है वो मान चुके हैं कि उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है, तो वो ये कह रहे हैं कि लोजपा का जो है अध्यक्ष वो उनकी माँ रीना पासवान को बनना चाहिए क्योंकि वो रामविलास पासवान की पत्नी और सबसे सीनियर हैं। इस पर अभी तक पशुपत पारस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन कैसे दें, ये तो सब कुछ वहाँ से तय होना है, बताया जा रहा है जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार से यहाँ से तय होना है। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि नीतीश कुमार
कब ये चाल चलते हैं कि पांचों हमारे साथ आओ, क्योंकि यदि पांचों एक साथ आते हैं तो फिर दल बदल लागू नहीं होगा। इसमें जो है जो चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान बने हुए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए अकबर स्थिति जरूर हो रही है कि चिराग पासवान का क्या करें, क्योंकि उस वक्त माना यह गया था कि जो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े और नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे वो बीजेपी के इशारे पे किए थे। तो अब बीजेपी पे भी नजर आएगी कि क्या वो स्टैंड लेती है, क्या करती है। हालांकि बीजेपी की यहाँ पे मजबूरी ये है कि वो पांच सांसद अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे कोटे से इनको मंत्री बनाइए, या वो जेडीयू में चले जाते हैं और नीतीश कुमार नाम भेजते हैं, तो फिर बीजेपी यानी प्रधानमंत्री के लिए भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।